This is NDTV. And you're watching Classics. सफारी इंडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ टिशा श्रीवास्तव। इस हफ्ते खास नज़र एक ऐसे जंगली जानवर पर जिसके नाम से जंगली हट्टा दिख रहा है। हम बात कर रहे हैं हनुमान लंगूरों की, जिनका चेहरा काला होता है और ये आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिल जाएंगे, जोधपुर से कोलकाता तक। क्योंकि इनका नाम पवन पुत्र हनुमान जी से जुड़ा है, इसलिए श्रद्धा, भक्ति और गलतफहमियों का ऐसा मिश्रण हो चुका है। इंसान इनके काफ़ी करीब आ चुके हैं, हर जगह लोग इनको खिलाते हुए दिखते हैं। लेकिन क्या इन दूरियां नज़दीकियों का सिलसिला वाकई जानवर की जानकारी को बढ़ा पाया है? हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सफारी कुछ ऐसे मंजर से शुरू करते हैं जिनमें आप हम कभी ना कभी शामिल हुए होंगे या फिर देखा तो ज़रूर होगा। जोधपुर खासकर देश में इस शोध विज्ञान में देश के अव्वल नंबर पर है। तो हम यहीं बाहरी इलाके में देखने आए हैं कि इनका जंगली रूप कैसा है। ये सब दृश्य उन दृश्यों से दूर हैं जो आपने अभी अभी देखे थे, और ये भी पता चलेगा कि किस हद तक हम इनके नक्शे कदम पर चलकर आगे बढ़े हैं, चाहे इनका पारिवारिक संबंध हो, चाहे इनका हाव भाव हो, चाहे इनका रहन सहन। वैसे सबसे ऊँचाई पर भी बंदर भारत में ही मिलते हैं। यहाँ भी जोधपुर की लहरिया पहाड़ी ज़मीन पर ये डेरा डाले हुए हैं। सारी दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर एक स्थान के ऊपर एक ही जगह हम 9 जनरेशन का रिकॉर्ड और डेटा हमने कलेक्ट कर लिया। सूर्योदय के साथ दिनचर्या की शुरुआत होती है खाने और आराम फरमाने की जगह की तलाश से। वैसे तो ये लंगूर जंगल में पेड़ों पर रहने के आदि हैं, लेकिन राजस्थान में झाड़ पौधों का इलाका भी इनका घर बन चुका है। खेजड़ी की छाव में तो ऊँट पलता है, और ऊँटों की आड़ में फल पत्ती खाकर ये हनुमान लंगूर पल जाते हैं। खुदकते उछलते ये लंगूर आ रहे हैं अपनी तय जगह पर। इनके भागने के तरीके पर गौर फरमाएं तो ये बिल्कुल ट्रैकर की तरह गुजरते हैं। थोड़ा दौड़ना, फिर आराम और फिर कूदना चालू। जोधपुर के अंदर हनुमान बंदर अपने आप में बहुत ही गौरवशाली इस मायने में है कि यहाँ के बाद में रेगिस्तान में किसी भी हिस्से के अंदर हनुमान लंगूर या कोई भी प्राइमेट नहीं पाया जाता। जोधपुर के इलाके में यह लगभग 2000 की तादाद में है, लेकिन अगर बंदर प्रजातियों की बात करें तो दुनिया की 12% वानर प्रजाति भारत में ही पाई जाती है, जिनमें 5 तरह के लंगूर शामिल हैं। हनुमान लंगूर की खास पहचान है बाल का ये रंग और चेहरा बिल्कुल स्याह। मैं 35-40 साल से इस बंदर के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे तो आज तक हजारों घंटे मैंने इनके साथ बिताए हैं, लेकिन आज तक किसी भी बंदर ने, इवन जो नर बंदर हैं जो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं समय समय पर, उन्होंने भी कभी चार्ज नहीं किया। अगर यही हजारों घंटे अगर मैं लाल मुंह के बंदरों के साथ में बिताता तो शायद मैं अभी तक जिंदा भी नहीं रहता। धार्मिक जगहों, हिल स्टेशनों के पास छीना झपटी करते जो बंदर दिखते हैं वो है रीसस मकाक। इनके चेहरे का रंग बिल्कुल वही जो चित्रकला में हनुमान जी का है। रीसस मकाक असल में बदमिजाज हैं और अक्सर आम लोग इन्हें लंगूर मान लेते हैं। सारे देश के अंदर एक दिन के अंदर 100 से करीबन 125 बाइट्स के केसेस हैं, कई फैटल होते हैं, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। अब आप इनको नहीं रोकेंगे तो पता नहीं इनका क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। तो हमारे आज के स्टार हनुमान लंगूर को करीब से पहचानने के लिए थोड़ा इनके करीब चलते हैं। ये लंबे पूछ वाले हैं बड़े मियाँ, यानी खानदान के चौकीदार। एकमात्र ऐसी प्रजाति जिसकी पूँछ दुनिया में पाए जाने वाले सभी बंदरों में सबसे लंबी, और 35 फीट सीधी कूद, 35 से 40 फीट चौड़ाई में कूद, और
इतनी अडेप्टेबल कि हिंदुस्तान के किसी पारिस्थितिकी मंडल में जी सकती है और जी रही है। ये तो था इनकी तेजी का प्रमाण। वैसे ये लंगूर जितना उछलने में सक्षम है उतना ही शांति से पारिवारिक जीवन गुजारने में भी, बल्कि 24 घंटे में 12 घंटे तो आराम के लिए हैं। इनका परिवार कभी 35 से 90 तक लंगूरों का हो सकता है, जिसमें एक नर और महिला लंगूर और बच्चे होते हैं, या फिर ऐसे भी समूह हैं जिसमें एक से ज़्यादा नर हों, खासकर तब जब परिवार की तादाद बढ़ जाए। और इनके ममता के भाव से वामपंथी दल काफ़ी खुश दिखेंगे। इस प्यारे से बच्चे की माँ कौन है? लंगूरों में एक ऐसी खासियत है जिससे हम इंसानों को भी शायद सीख मिले। माँ से चिपका बच्चा एक साल तक अपनी माँ का दूध पीता रहेगा, लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ देर बाद ही शुरू हो जाती है एलोमदरिंग, यानी दूसरी मादा लंगूर एक दूसरे के बच्चों का ध्यान रखने लगती है। बच्चा जैसे ही 15 महीने का हो जाए तो पूरी तरह अपनी माँ से दूर रहने का आदी हो चुका होता है। ये लंगूरों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उनका काम है बच्चे पैदा करना, तो एक को छोड़ते ही वो अगली गोद भराई में मसरूफ़ हो जाते हैं। और फिर बच्चा अगर नर हो तो वो चौकीदारी पल्लू से लिपट कर तो नहीं सीखेगा। तो यहाँ कोई सौतेला नहीं और कोई गैर भी नहीं, और प्यार तो देखिए इतरा इतरा कर हर बच्चे को दुलारा जाएगा। और इस दुलार से सिर्फ प्यार ही नहीं, इनके शरीर की चमक भी निखरती है। तो ये है इनका असली जंगली अवतार। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा फ़र्क है कि ये इंसानों से निरंतर संपर्क में है, इस वजह से जब भी कोई इनको खिलाने इनके पास आता है तो यू कैन सिट विद देम, आप उनके पास बैठ सकते हैं, इनको आपसे कोई ख़तरा नहीं, आपसे इनको कोई ख़तरा नहीं। लेकिन अगर जंगल में आप इनको देखना चाहें तो आप इनको 20-25 मीटर से पास में नहीं देख सकते। आइए इस प्यारे से मंदिर से ब्रेक लेते हैं, आगे देखिए जंगली से पालतू बनने का सफ़र इनके लिए कैसा रहा है। सफारी इंडिया के पहले भाग में हमने देखा हनुमान लंगूर का जंगली अवतार और जाना कि असलियत में वो कितने शांत स्वभाव का जानवर है। सफारी इंडिया के इस भाग में हम देखेंगे कि क्या हनुमान लंगूर इंसानी इलाकों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। या इंसान इनके खुले आसमान के घर पर अपना पाँव पसार रहा है। चाहे हमारी आस्था हो, भक्ति हो या शहर का फैलाव, किस हद तक इनका स्वभाव बदला है। आप खुद देखिए और फैसला कीजिए। मुझसे कोई पूछे एक वैज्ञानिक के नाते, धर्म को भी साथ में लेके चलता है और विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक भी हैं इस देश के अंदर, तो ये महत्ता वाली बात है, तो मैं कहूँगा इन बंदरों को कुछ भी खिलाने की आवश्यकता नहीं। सबसे अच्छी खुराक मानी जाती है प्राकृतिक पत्ते बेर, जिन्हें कूद कर ढूंढ कर मेहनत कर ये अपना पेट भरें। फल पत्ते खाने वाले ध्यान रखते हैं कि इनके खाने में कीड़े मकौड़े ना आ जाएं, तो थोड़ी वर्जिश के बाद ही खाना। नेचुरल प्लांट्स में काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, काफ़ी हर्बल प्लांट्स होते हैं जो कि इनको हर एक तरह से क्योर देते रहते हैं, वेदर इट इज़ इंटरनल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट, वॉट एवर। तो छोटी मोटी जो बीमारियां होती है जो जोधपुर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है वो जंगल में नहीं मिलती। फिर आती है खेत की बारी और फिर आर्टिफिशियल फीडिंग की। लेकिन अफसोस कि जो आखिरी विकल्प होना चाहिए था वो पहला बन गया है और इससे नई दिक्कतें सामने आ रही हैं। आप उनको मिठाई दे रहे हैं, उनको तली गली चीज़ें दे रहे हैं, आप उनको वो भोजन दे रहे हैं जब उनके किसी पीढ़ियों में नहीं खाया, आप उनको तत्काल वो भोजन दे रहे हैं। ये एडेप्टेबल है, खा सब कुछ सकते हैं, लेकिन सच ये है कि उसके खाने के बाद में क्या। जो अंग्रेजी बबूल जो कि बढ़ता जा रहा है, इट इज़ ए एग्जोटिक स्पीसीज एंड दैट इज़ गिविंग ए रियल थ्रेट टू द लंगूर्स डायरेक्टली, बिकॉज
एज दे स्टार्ट गेटिंग प्रोसोफिस ओवर देयर देयर नेचुरल फूड इज डिक्लाइनिंग सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इफेक्ट देयर फीडिंग एंड देयर ब्रीडिंग इकोलॉजी बिसाइड्स दैट द रोड एक्सीडेंट्स एंड द डिजीजेज फ्रॉम द लाइव स्टॉक बिकॉज मैनी ऑफ द लाइव स्टॉक लिविंग अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज आर नॉट प्रॉपरली वैक्सीनेटेड एक तरफ जानवरों की इज्जत करना धर्म का अहम हिस्सा है तो दूसरी तरफ जानवरों को करीब से जानने देखने पर ही तो उनसे जुड़ी गलतफहमियां दूर होती हैं बात जब इंसानों से इनकी दूरियां नज़दीकियों की हो रही हो तो ये साफ हो जाता है कि जो इलाके जंगल थे वहां इमारत बननी शुरू हो चुकी हैं 37-38 सालों के अंदर जिस तरीके से आबादी बढ़ी है और लोगों ने इन जंगलों के ऊपर अपने अधिकार बनाए हैं कानूनी गैर कानूनी और इनके आवासों को एक तरह से नष्ट भ्रष्ट किया है तो इन बंदरों के ऊपर उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा बनिस्पत के ये जंगल के अंदर या जिस स्थान पे ये रहते रहे हैं उनसे पीछे जाते उसके बनिस्पत संभवतः ऐसा लगता है कि उन्होंने वहाँ रहना उचित ही समझा और बंदरों ने अपने आवास नहीं बदले मनुष्यों ने अपने आवास नए कर लिए और इस नए आवासों के अंदर बंदरों ने अपने आप को ढाल लिया लावारिस कुत्ते भी इनसे अक्सर लड़ाई करते दिखते हैं और इन सब के बीच लंगूरों का प्राकृतिक आशियाना और खुराक दोनों ही बदल रही है ये ग्रुप जहाँ पे भी अपना स्पेस बनाए हुए हैं परमानेंट होम रेंज या परमानेंट रूस्टिंग जो इनका है उसके आसपास पानी का कोई ना कोई परमानेंट सोर्स है जो कि राउंड द ईयर इनको पानी अवेलेबल कराता है वेदर इट इज ड्राउट और नो ड्राउट बट ड्यू टू माइनिंग दीज वाटर सोर्सेज आर ब्लॉक्ड बाय द ब्लास्ट प्लस जो बीमारी का जो दौर है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने में मिला क्योंकि जब यहाँ पे आर्टिफिशियल फूड डालते हैं तो क्वांटिटी कुछ फिक्स नहीं होता कभी इनको 100 किलो के करीब मिल जाता है कभी भी कोई फीडर 3 से 4 आ गए तो करीब 300-400 किलो फूड इनको अवेलेबल होता है विच दे कैन नॉट ईट जो शादी विवाह के अंदर बचे हुए खाने हैं जो टॉक्सिक हो जाते हैं फंगस लग जाती है इनको नहीं देना चाहिए आप और हम तो नहीं खाएंगे लेकिन इन बंदरों को ले जा करके दिए जाते रहे और उससे ये हुआ कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया और हमारे इस पॉपुलेशन के अंदर एकाएक 7-8 महीने के अंदर 90 से 100 बंदर मर गए उसका सीधा साधा कारण था कि भोजन आपने जो दिया वो टॉक्सिक था फंगस लगा हुआ था तला गला था वो उनको नहीं मिलना चाहिए था उनको दिया गया और वो बंदर मरे ना उछलने कूदने की जगह बची है और ना ही इनकी ऊर्जा आलस से भरा ये बंदर मानस जो स्फूर्ति ये जंगल में दिखाते हैं वो आराम से खाना मिलने के बाद नहीं दिखती जितनी एक्सरसाइज जितना ये व्यायाम अपने कार्यविधि में अपने डेली रूटीन में करते हैं दुनिया की कोई प्रजाति नहीं करती इस स्थिति के अंदर इन बंदरों के साथ में जब मनुष्यों ने अपने आवास बना लिए तो निश्चित रूप से इनकी जो कार्यविधि है वो घट गई एक्सरसाइज घट गई घूमना फिरना बढ़ गया दौड़ना भागना बंद हो गया कम हो गया तो वो ले जीने आसानी है कम जगह और परिवार बड़ा जो हालत कुछ हद तक पूरे भारत की है वो ही इनकी भी जानवरों में पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा मादा से रिश्ते का फ़ायदा है इन ब्रीडिंग नहीं होती नर आपस में टोली का सरदार बनने के लिए खूब दिखा दिखा कर लड़ते हैं मकसद है टोली का सरदार सबसे ताकतवर लंगूर ही बने वैसे मादा नर लंगूर का आकर्षण का खेल काफ़ी दिलचस्प होता है और इसमें पहल मादा करती है लेकिन इनमें इतनी समझ होती है कि बाप अपनी बेटी की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाएगा प्राकृतिक नियम वाकई सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं लेकिन जब इंसान इन्हें ज़्यादा और बेवक्त खाना खिला रहे हैं तो इनके परिवार बीमार भी पड़ने लगे हैं और इससे बच्चे भी कमज़ोर हो रहे हैं इसे प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ की मिसाल ही समझिए धर्म के महत्व को लोगों ने फन ड्राइव की तरह ले लिया है कि चलिए यह भी एक रिक्रिएशन का साधन हो गया बंदर रिक्रिएशन के साधन दूर से देख करके हो सकते हैं लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया करके इस प्रकार से खिला पिला करके उनको अगर आप खुश हो जाएं प्रसन्न हो जाएं ये बहुत ही मैं समझता हूं कि खतरनाक स्थिति है इससे हमको बचना चाहिए
और अगर हमने बड़ों ने ऐसा किया तो बच्चों के ऊपर भी क्या असर पड़ने वाला, आने वाली जनरेशन क्या करेगी। ब्रेक के बाद देखिए कि इंसान इन्हें ठीक से समझेगा और इनका वजूद और संतुलन बनाए रखेगा तो कैसे और क्यों फायदे में रहेगा।